Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. सवाल ये है कि मेडिटेशन के लिए विपश्यना, प्रतिक्रमण, इसके सिवा और भी कोई टेक्निक है क्या? महावीर का धर्म, महावीर की वाणी ये कहती है, क्षण क्षण जागृति, क्षण क्षण सजगता, वही मेडिटेशन है। कहते हैं आहार करते समय आहार में सजगता, बोलते समय बोलने में साक्षी होना, सुनते समय सुनने में साक्षी होना, चलते समय चलने में साक्षी होना। आप प्रत्येक क्रिया में सजगता लाओ, दैट इज मेडिटेशन। और इसका नाम है समिति साधना, पंच समिति साधना बताइए। और पंच समिति में जीवन की सभी चर्याएं आ गई, एरिया समिति, भाषा समिति, इच्छा समिति, आदान निक्षेपना समिति और विसर्जन समिति, इन पांचों में जीवन के सभी आवश्यक अंग आ गए। और इन सब में सजगता आना, दैट इज मेडिटेशन। तो जैन सूत्र तो हर क्षण का मेडिटेशन बता, और ना केवल जैन सूत्र, जिसने भी पहुंचा, जो सब ज्ञानियों की वाणी समान है, जो भी अनुभव किया उन सब ने यही बात कही है। पर आदमी के पास में क्या होता है ना कि बात किसी एकाध शब्द के साथ आई तो उसने उस शब्द को ही वो सब पकड़ लिया कि बस यही मेडिटेशन, विपश्यना ही मेडिटेशन, प्रतिक्रमण ही मेडिटेशन। प्रतिक्रमण तो मेडिटेशन में आने की तैयारी है, तो मेडिटेशन में रहो, वर्तमान में रहो, इसके लिए पास्ट से प्रेजेंट में आ जाओ। तो प्रतिक्रमण मतलब पास्ट से प्रेजेंट में लौटना, दैट इज प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण इज द प्रोसेस फॉर मेडिटेशन, ऑफ मेडिटेशन ऐसा कह सकते हैं। और मेडिटेशन इज सामायिक, और सामायिक मतलब वर्तमान क्षण में रहना, और ध्यान मतलब सजगता। ओके, जय हो।